नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। किसानों का आरोप है कि किसान सरकारों के आंदोलन को विफल करने के लिए उसके विभिन्न संगठनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं किसान काफी दिनों से दिल्ली से सटी सीमाओं को जाम किए हुए हैं। वहीं मंगलवार शाम को किसान संगठनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें संगठन पुरानी बातों को ही दोहराते रहे। वहीं सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सरकार का ये कहना है कि हम किसान संगठनों से चर्चा के लिए तैयार हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि क्या हाईवे जाम करना या आंदोलन करना जायज है या नहीं। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि इसमें आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई है। इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील की गई है। वहीं चीफ जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।